टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। जलवायु परिवर्तन का असर इस साल बागवानी पर सबसे ज़्यादा पड़ रहा है, जिसकी वजह से उत्पादन में गिरावट देखी जा रही है। वहीं महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में बदलते वातावरण के कारण अनार को बड़े पैमान पर नुकसान पहुंचा है। अनार पर कीटों और रोगों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसके डर के कारण किसान पेड़ को नष्ट कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि कीटों से उत्पादन कम हो सकता है, कीटों की वजह से दूसरी फसल खराब ना हो जाए, इसलिए उन्हें पूरे पेड़ को नष्ट करना पड़ रहा है। इसके परिणाम स्वरूप किसानों को अपूर्णीय क्षति हो रही है और अधिक क्षेत्रफल वाले क्षेत्रों में कीट प्रकोप की घटनाएं बढ़ रही हैं। उल्लेखनीय है कि अनार अनुसंधान विभाग अभी तक इस समस्या का समाधान खोजने में सफल नहीं हो पाया है। इससे किसान या तो अनार का पेड़ मौके पर ही जला देते हैं या फिर किसानों को उसे काटकर तटबंध पर फेंकना पड़ता है। इसका इस साल के अनार निर्यात पर बड़ा असर पड़ा है। अनार का निर्यात पिछले 2 महीने से चल रहा है और अभी 500 टन अनार का ही निर्यात हुआ है। उत्पादन में आधे से अधिक गिरावट ने किसानों को बुरी तरह प्रभावित किया है, लेकिन अनार के अस्तित्व को उन क्षेत्रों में खतरा है जहां अधिक उपज उगाई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।